हाय गाइस, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि राफिज़ दसर खान का आप एक्सक्लूसिवली कुछ तो दिखाइए, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे शूट किया है मंदी राइस एंड सीख कबाब। सो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट ऑफ मुंबई विच इज़ नोन फॉर दैट थाल। और जब थाल की बात हो तो मैं कैसे आपको इनका प्रिपेरेशन ना बताऊँ। सो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। इसमें अनियन ये हम 1 kg मंदी बना रहे हैं। 1 kg मंदी है, वैसे तो हमारे यहाँ कम से कम 10 किलो मंदी होती है एक साथ में, लेकिन आपके चैनल के लिए हम आपको 1 kg स्पेशल बना के दिखा रहे हैं। ये क्या क्या मसाला है? ये पीली मिर्च है, ये गरम मसाला है, अपने हाथों से जो बना हुआ है, ये हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर, मंडी मसाला है। मंडी मसाला है, इसमें ब्लैक लेमन का जूस भी रखा है। अच्छा, ब्लैक लेमन का जूस है। ये स्पेशल हमारा सैफ्रॉन है जो कश्मीर से मंगाई जाती है, ये इसका एक अहम पार्ट है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ है, बिल्कुल। ये भी इसमें जाता है मंडी में। मंडी में, हाँ। ये क्या है? स्टॉक वाटर। स्टॉक वाटर, मंडी कोई भी हो, चिकन हो, मटन हो, वो स्टॉक वाटर में ही बनता है। स्टॉक वाटर में बनता है। राइस को कितनी देर भिगाना पड़ता है? ये बासमती राइस है, मिनिमम 1 आवर उसको भिगाना जरूरी है। 1 घंटा भिगाना पड़ता है। राइस भी हमारा स्पेशल पंजाब से आता है। हाँ, पंजाब का राइस लॉन्ग ग्रेन्स रहता है। बिल्कुल। ये अपना मंदी अभी रेडी है, मैं आपको डाला जाएगा। ये मंदी राइस आ गया इसमें।
अभी भैया नेक्स्ट क्या है? अभी नेक्स्ट है सर हमारा चिकन सीख कबाब। चिकन सीख कबाब जी। ओके चलिए सर। ये चिकन मीन्स है और अभी हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। शेफ यहाँ से शुरू करो आप। थोड़ा गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, थोड़ा मसाले आप शुरू करो। इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर क्रश, स्पून टिन पे व्हाइट पेपर, येलो चिली पाउडर, गरम मसाला, इलायची पाउडर, रोस्टेड चना पाउडर, बटर, ये अमूल बटर इसमें डालते हैं। अमूल बटर, चीज पेस्ट, चीज पेस्ट जी, बटर, चीज पेस्ट, ये इसके सॉफ्टनेस के लिए बहुत अलग है और जूसीनेस, जूसी जूसी करने के लिए सॉफ्टनेस और जूसी। ओके हाँ, फ्राइड ऑनियन पेस्ट, ये आप पिस्ता बना के, हाँ ये पिस्ता बना के इसको पेस्ट कर लेते, ग्राइंड कर दीजिए। हाँ चॉप ग्रीन चिली, चॉप जिंजर, चॉप कोरिएंडर, ठीक। अभी इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें अभी सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। सीख कबाब का सबसे अहम पार्ट होता है उसको मिक्स करना, उसकी अच्छे से मालिश करना, ताकि जितना आप उसको कर ले इतना अच्छे, जितना इसमें मेहनत की जाएगी अपना सीख कबाब उतना ही अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। मतलब एक एक कबाब यहाँ पे बिल्कुल जो ऑथेंटिक तरीका है, जो एक कबाब जिस तरह से बनाया जाता है बिल्कुल वही हम चीजें फॉलो करते हैं। और ये चीज आज से नहीं, यहाँ पे तकरीबन 14-15 साल से फॉलो हो रही है, यही सेम रेसिपी है बिल्कुल। ये अपना सीख का मिक्सर रेडी है। ये अपना तंदूर है।